स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे होम साइंस के कुछ प्रश्न का। यदि आप लोगों ने सब्सिडी में होम साइंस रखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिसमें आगे बढ़ते हैं, पहला नंबर प्रश्न है, रेशम का उत्पादन कब आरंभ हुआ। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, इनमें से कोई नहीं। अर्थात अभी अगर रेशम के उत्पादन की बात करें तो यह 4 ईसा पूर्व से ही प्रारंभ हो चुका था, 4 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न है, कपड़े धोने की मशीन यानी जो बिजली से चलती है, कपड़े धोने की मशीन का आविष्कार अमेरिका में कब हुआ। जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 1850 में हुआ है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, कपड़े धोने की मशीन का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। हालांकि कपड़े धोने की मशीन का आविष्कार जैकब क्रिश्चन सेफर ने किया था। कपड़े धोने की मशीन का आविष्कार जैकब क्रिश्चन सेफर ने किया था, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कपड़े धोने की सर्वप्रथम मशीन खाली स्थान के नाम से बेची गई। अर्थात कपड़े धोने की मशीन जो थी वो सर्वप्रथम किस नाम से बेचा गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, थोड़ के नाम से बेचा गया। अगला प्रश्न है, जीप फास्टनर का किस वर्ष आविष्कार हुआ। जीप फास्टनर का आविष्कार किस वर्ष हुआ। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 1891 में। अगला प्रश्न है, अमेरिका में किसने सर्वप्रथम जीप कार्टनर बनाया। जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, डब्ल्यू एल जॉर्डसन। अगला प्रश्न है, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न है, रेशम का कीड़ा किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, इनमें से सभी। अर्थात सूक्ष्म अंडा की, लार्वा की, प्यूपा की। अगला प्रश्न है, प्यूपा जिसके ऊपर धागा लिपटा रहता है उसे क्या कहते हैं। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, ककून कहते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतर रेशमी वस्त्र किस पर बुने जाते हैं। जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, हथकरघा पर बुने जाते हैं, अर्थात हाथ से बुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किन स्थानों को रेशमी वस्त्र हाथकरघों के बुने होते हैं। जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, भागलपुर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, बनावटी ढंग से बनाए जाने वाला रेशम होता है किस मात्रा में। जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, मोटा होता है। अगला प्रश्न है, रेशम अपनी किन विशेषताओं के बारे में जाना जाता है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी। अर्थात सुंदरता के उसका एक विशेषता होता है कोमलता और गर्मी के गुण। जिसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, किसके घोल से रेशम अधिक चमकदार हो जाता है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, हल्का एसिड मिलाया जाता है जिससे रेशम चमकदार हो जाता है। अगला प्रश्न है, घर्षण के कारण रेशम तंतु क्या होते हैं। जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, धूप में अधिक देर तक रखने से सफ़ेद रेशम में क्या आ जाता है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, रेशमी वस्त्र धोने के लिए पानी का उपयोग होता है, किस तरह के पानी का उपयोग होता है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, गुनगुने पानी का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, रेशमी व ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए ऐसे साबुन का उपयोग होना चाहिए जिसमें क्या मिला होता है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, रेशमी वस्त्रों को स्वच्छ कौन कर देता है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, रीठे का पाउडर। अगला प्रश्न है, कूटने व कसकर निचोड़ने का तरीका रेशम के लिए क्या है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, विपरीत उसका तरीका है। अगला प्रश्न है, बुनाई के लिए यार्न का नंबर होना आवश्यक है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 1 नंबर होना आवश्यक है। आगे है, प्रत्यक्ष रंगों का प्रयोग खाली स्थान से बने वस्त्रों को रंगने के लिए किया जाता है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, सूत से बने वस्त्रों को रंगने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, कुछ वैट का रंग कैसा होता है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी। अर्थात सीवा फान रंग, एडिसन रंग, सीमा रंग। अगला प्रश्न है, वस्त्र को रंगना क्राई रंगाई
खाली स्थान की स्थिति की रंगा है, जिसका आंसर ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सूत से तंतु बनाया जाता है, यह प्रक्रिया कताई द्वारा होती है। तंतु में उपस्थित खाली स्थान इस प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होती है, क्या सिद्ध होती है, जिसका आंसर ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ऊन को खाली स्थान अवस्था में निघर्षण किया जाता है, ऊन को खाली स्थान अवस्था में निघर्षण किया जाता है, किस अवस्था में, जिसका आंसर ऑप्शन ख, कच्ची अवस्था में। अगला प्रश्न है, सिल्क के कीड़े की लंबाई कितने इंच की होती है, सिल्क के कीड़े की लंबाई कितने इंच की होती है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 3 इंच की होती है। अगला प्रश्न है, लिनन के लिए विरंजन प्रक्रिया को दोहराया जाता है, लिनन के लिए विरंजन प्रक्रिया को दोहराया जाता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, बार बार दोहराया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस माह में मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस किस माह में मनाया जाता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, जुलाई में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की औसत जनसंख्या बढ़ोतरी दर क्या है, औसत मतलब एवरेज जो हमारा पॉपुलेशन है वो किस तरह से वृद्धि कर रहा है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 1% वृद्धि दर है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, आँख ग्राहक है खाली स्थान प्रकार के, किस प्रकार का, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, बाह्य ग्राहक का प्रकार है। अगला प्रश्न है, भाषा तथा भाषण के विकास का नियंत्रण कौन करता है, भाषा तथा भाषण के विकास का नियंत्रण कौन करता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, बायां गोलार्ध नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ज्ञानेंद्रिय खाली स्थान के प्रति संवेदनशील है, किसके प्रति संवेदनशील है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, स्पर्श अर्थात किसी को छूने के प्रति, यानी किसी को हम स्पर्श करके यदि छूते तो वो हमारा ज्ञानेंद्रिय उससे संवेदनशील होता है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु को पहले वर्ष में जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगते हैं, नवजात शिशु को पहले वर्ष में जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगते हैं, अर्थात किस वर्ष में, इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 5 वर्ष में। अगला प्रश्न है, विकसित हो रहे देशों में खाली स्थान नवजात शिशु हर 5 नवजात शिशुओं में से 2.5 किलोग्राम से कम वजन का होता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 1। अगला प्रश्न है, WHO के अनुसार अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य नवजात शिशु का वजन होना चाहिए, एक मतलब कि हेल्दी बच्चे का वजन कितना होना चाहिए, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 2.5 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, पौष्टिक आहार अर्थात खाना पीना अच्छा से मिलेगा तो हमारा शारीरिक विकास अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, शिशु के नीचे के 2 दांत कितने महीने में उग जाते हैं, शिशु के नीचे के 2 दांत कितने महीने में उग जाते हैं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 6 से 8 महीने में उग जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक सामान्य शिशु की जन्म पर लंबाई होती है, एक सामान्य शिशु की जन्म पर लंबाई क्या होती है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 50 सेमी। अगला प्रश्न है, शिशु की शौचालय ट्रेनिंग पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाती है, शिशु की शौचालय ट्रेनिंग पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाती है खाली स्थान साल की उम्र तक, किस साल तक, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 2 से 2.5 वर्ष तक में शौचालय के नियंत्रण पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाती है। अगला प्रश्न है, एक 6 महीने के शिशु खाली स्थान कर सकता है, क्या कर सकता है, जिसका आंसर है ऑप्शन ख, वो बैठ सकता है, 6 महीने के शिशु बैठ सकता है, वो खड़े होकर अभी नहीं चल सकता। अगला प्रश्न है, एक खाली स्थान महीने का शिशु पेट के सहारे आगे बढ़ सकता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 8 महीने का शिशु पेट के सहारे आगे बढ़ सकता है। अगला प्रश्न है, एक 13 महीने का शिशु खाली स्थान कर सकता है बिना किसी मदद के, बिना किसी मदद के 13 महीने का बच्चा क्या कर सकता है, तो आंसर होगा ऑप्शन ग, चल सकता है, वो बिना किसी सहारे के 13 महीने के बाद चल सकता है। अगला प्रश्न है, एक 7 से 9 महीने का बालक खाली स्थान में अंतर कर सकता है, किस चीज़ में अंतर करना वो जान सकता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, चाल में, अर्थात चाल में अंतर कर सकता है वो। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष का बालक स्वयं खाली स्थान कर सकता है, 2 वर्ष का बालक स्वयं क्या कर सकता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, खाना खा सकता है, स्वयं खाना खा सकता है वो। अगला प्रश्न है, जब बालक 10 से 18 महीने का होता है तब वह माता पिता के समान पर अपना दिखाता है,
अपना दिखाता है, अर्थात क्या दिखाता है? जब बालक 10 या 18 महीने का होता है तो माता पिता के सामान पर अपना अधिकार दिखाता है, जिसका आंसर ऑप्शन ग, अधिकार दिखाता है वो। अगला प्रश्न है, खिलौने की आयु कहा जाता है, अर्थात खिलौने की आयु बच्चे की किस अवस्था को कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन को, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है जो 2 से 6 वर्ष के बीच में होती है। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, आज्ञाकारिता। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इनका श्रेय खाली स्थान को जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इनका श्रेय किसे जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन को, प्याजे। इसका पूरा नाम जीन प्याजे है, ये स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बंदर पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, चरित्र का विकास, सॉरी बंदर पे नहीं, बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, चरित्र का विकास होता है, चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी द्वारा, अर्थात इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव या व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, सभी के द्वारा हमारे चरित्र का विकास होता है। अगला प्रश्न है, शिशु कितने समय तक दूसरे के सहारे अपना जीवन चलाता है? कितने समय तक दूसरे के सहारे वो अपना जीवन चलाएगा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक उसे सहारे की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन को, परिवेश से। अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान के का एक परिणाम है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन को, वंशागत एवं वातावरण, अर्थात वंश के हिसाब से जो पैतृक गुण मिला होगा और हमारे आसपास में जो वातावरण होंगे उसके हिसाब से मानव का विकास होता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होती है? व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चे को शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, गृह कार्य का बोझ, अर्थात उसे गृह कार्य का बोझ नहीं दिया जाए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 58, एक परिवार का निवास हो सकता है, एक परिवार का निवास कहाँ हो सकता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, उपयुक्त में से कोई भी, अर्थात पितृस्थानीय, मातृस्थानीय और नवस्थानीय, कहीं भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, पति पत्नी और अधिक से अधिक उनके अविवाहित बच्चों से बने परिवार के सबसे छोटे और आधारभूत स्वरूप को क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, मूल या केंद्रीय परिवार उसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक परिवार संगठन के आधार पर निकट के नाते रिश्तेदार की एक सहयोगी व्यवस्था है जिसमें सम्मिलित संपत्ति, सम्मिलित वास, अधिकारों तथा कर्तव्यों का समावेश होता है, यह क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन को, ये एक संयुक्त परिवार है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान तब कहा जाता है जब एक पुरुष केवल एक स्त्री से विवाह करता है और उस स्त्री के जीवन काल में वह दूसरी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता है, वो क्या कहलाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, एक विवाह कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक पत्नी के साथ 2 या 2 से अधिक पुरुषों का विवाह क्या कहलाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन को, बहुपति विवाह। अगला प्रश्न है, बहुपत्नी विवाह का प्रचलन खाली स्थान कारणों से हुआ। जिसका आंसर होगा ऑप्शन को, संतान की कामना के कारण हुआ। अगला प्रश्न है, कुछ धार्मिक संस्कारों के द्वारा समाज से मान्यता प्राप्त उन स्त्री पुरुषों का विधिवत मिलन ही हिंदू विवाह है, जिसके उद्देश्य क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, उपयुक्त सभी, अर्थात धर्म कार्य, पुत्र प्राप्ति, रति अनुसरण। अगला प्रश्न है, मुस्लिम विधि के अनुसार मेहर क्या है? मुस्लिम विधि के अनुसार मेहर क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, वधु शुल्क है जो विवाह के समय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के अनुसार परिवार पत्नी, पति पत्नी तथा उनके बच्चों की एक जैविक सामाजिक इकाई है, किसके अनुसार? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, इलियट और मेरिल के अनुसार। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के शब्दों में अपने लैंगिक अंतर के कारण स्त्री और पुरुष एक अत्यंत सक्षम सहयोगात्मक इकाई बनाते हैं, ये किसका कहना है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, मडांग का कहना है। अगला प्रश्न है,
कैलोरी के माध्यम से मापा जाता है, अर्थात कैलोरी से क्या मापा जाता है, कैलोरी किसकी इकाई है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, ऊष्मा की मात्रा। अगला प्रश्न है, स्टार्च व चीनी दोनों किस समूह में आते हैं, स्टार्च व चीनी दोनों किस समूह में आते हैं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति भूख से मरने लगता है तो वह अपने ही शरीर का उपयोग भूख मिटाने के लिए करता है, वह सर्वप्रथम उपयोग करता है शरीर में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का, शरीर में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का उपयोग वह सबसे पहले करता है। अगला प्रश्न है, डायबिटीज वह रोग है जिसमें मूत्र में खाली स्थान होती है, डायबिटीज वह रोग है जिसमें मूत्र में चीनी होती है। अगला प्रश्न है, भोजन का मुख्य कार्य क्या है, भोजन का मुख्य कार्य क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, ऊर्जा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, चावल, अर्थात चावल रोटी इत्यादि, इस समय कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर का अत्यधिक जरूरी भोजन क्या है, शरीर का अत्यधिक जरूरी भोजन क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न है, दूध घी मक्खन हरी सब्जी मछली आदि हमें यह विटामिन प्राप्त होती है, इससे हमें क्या विटामिन प्राप्त होती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, विटामिन ए प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, रतौंधी होता है। अगला प्रश्न है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होते हैं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, रिकेट्स रोग होने का क्या कारण है, रिकेट्स रोग होने का खालिस्तान की कमी के कारण होता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, शरीर में कैल्शियम की आवश्यकता होती है क्योंकि इसका उपयोग होता है, शरीर में कैल्शियम की आवश्यकता होती है क्योंकि इसका उपयोग हड्डियों में कैल्शियम का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, गर्भाशय के दौरान महिला के स्तन से निकलने वाला द्रव्य क्या कहलाता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, कोलोस्ट्रम कहलाता है। अगला प्रश्न है, चीनी बनाने का साधन क्या है, चीनी बनाने का साधन गन्ना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन क। अगला प्रश्न है, भोजन की मात्रा सर्दियों में अधिक हो जाती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ख। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त नहीं होता है, किससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, दूध से प्राप्त नहीं होता। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में खाली स्थान माता से पोषण लेता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, भ्रूण जो होता है वो माता से पोषण लेता है। अगला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, प्रयुक्त विज्ञान है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, क्रोध एक प्राथमिक संवेग है, यह कथन सही है। अगला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, भविष्यवाणी करना। अगला प्रश्न है, प्राक भाषा अवस्था की उच्च सीमा क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण का जैविक कारक नहीं है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, परिवार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग नहीं है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, विस्मरण, ये संवेग नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विकासात्मक मनोविज्ञान से संबंध नहीं है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, मैकड्यूगल। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है किस रूप में, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप दोनों में, अर्थात ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात 3 सही रहेगा और 1 गलत रहेगा, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, छींकना एक सहज प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, जी स्टेशनली हॉल की मृत्यु कब हुई, इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 1905 में हुई। अगला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान का विषय वस्तु क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, ए बी दोनों, अर्थात बच्चे की अनुभूति और बच्चे का व्यवहार। अगला प्रश्न है, इनमें से किनका संबंध विकासात्मक मनोविज्ञान से है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, युग।
अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास में अनुकूलन के महत्व को देखने के लिए वाटसन तथा रेनर ने जिस बालक पर प्रयोग किया उसका नाम क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, अल्बर्ट पर प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, जन्म के समय बच्चा रहता है, जन्म के समय बच्चा क्या रहता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं, अर्थात असामाजिक, सामाजिक, समाज विरोधी, इनमें से उसमें कोई गुण नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान बच्चों का अध्ययन गर्भाधान से लेकर खाली स्थान तक करता है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, परिक्वावस्था तक करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवेग नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, प्रेम। तो ये था आपका 101 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।